राज्य की बस्तर के लोगों के बीच में राम एक आस्था है, एक विश्वास है, इसलिए राम मंदिर जरूरी है। बस्तर के आदिवासियों के बीच में आततायी जो लोग हैं अभी, जो जिसको हम कह सकते हैं मिशनरी के लोग, जिस प्रकार आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उसको रोकने के लिए राम मंदिर आवश्यक है। आपने जमीन किसको दान की? हमने राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसमें ये जो बोधघाट हनुमान मंदिर है उसके नाम से हमने एक रजिस्ट्रेशन करवाया है, पंजीयन करवाया है, तो वो धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट का रूप वो ले ही लेगा। और चूंकि हमने कई मंदिर, मंदिरों के जो छोटे छोटे मंदिर हैं उस पंजीयन में हमने नाम लिखा हुआ है, उसमें वो घाट लौंगा का भी नाम है, तो जब घाट लौंगा का मंदिर बड़ा बन जाएगा तो निश्चित रूप से घाट लौंगा के नाम से ही उसको हम परिवर्तित करके वो बड़ा ट्रस्ट बस्तर संभाग स्तर का उसको हम लोग बना लें। आपने जमीन कब ली थी और क्या मन में? 2003 में जमीन खरीदे थे, 2007 में हनुमान जी की स्थापना वहाँ पर हम लोगों ने किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा किए थे और उनका वहाँ पर पूजा अर्चना होते रहता है। आपके मन में कैसा विचार आया? मेरे मन में ये विचार आया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण करने का पूरे देश के हिंदू समाज ने प्रयत्न कर रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि भगवान राम बस्तर में महत्वपूर्ण 14 वर्ष यहाँ बिताए थे। उससे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने सोचा कि भाई बस्तर में जब भगवान राम यहाँ पर थे तो उनके नाम से, उनके याद में, उनके आदर्शों पर चलने के उद्देश्य से यहाँ भी भव्य राम मंदिर होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख के हम लोगों ने खरीदा था। कब तक ये होगा, सपना पूरा कर? अब देखिए, जन सहयोग मिलता रहेगा तो मंदिर का निर्माण होगा, बिना जन सहयोग के तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने निश्चित रूप से आश्वासन दिया था कि भाई हम लोग यहाँ पर जो भी सहयोग होगा, ईंट के रूप में हो, रेत के रूप में हो, तो हम बराबर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।